नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर वार किया है। कटाक्ष करते हुए आजाद ने कहा कि परंपरा है कि जब सदन के सदस्यों का कार्यकाल पूरा होता है तो सभी दलों के नेता इस मौके पर अपनी बात रखते हैं। उतना ही नहीं, उनका कहना है कि समय के साथ भारत में मिलीजुली संस्कृति बदल गई है। गुलाम नबी आजाद ने किया जनसभा को संबोधित, समर्थकों ने की उनका दामन थामने की इच्छा जाहिर, कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। गुलाम नबी ने उठाए कांग्रेस पार्टी पर सवाल, गुलाम नबी आजाद बनाएंगे नई पार्टी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और हाल ही में कांग्रेस छोड़ने वाले वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने आज जम्मू की सैनिक कॉलोनी में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि वे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खड़े हैं। प्रदेश के 76 वर्षीय दिग्गज नेता आजाद की ओर से आज अपनी नई राजनीतिक पार्टी के गठन और उसके नाम की घोषणा करने की संभावना थी। उन्होंने अपनी पार्टी के गठन की तो बात कही, लेकिन उनके नाम की घोषणा नहीं की। आपको बता दें, 73 साल के गुलाम नबी आजाद ने 26 अगस्त को कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और आजाद ने इस्तीफा देने के साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोला था। वहीं आजाद के इस्तीफे के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री, 8 पूर्व मंत्री, 1 पूर्व सांसद और 9 विधायकों के अलावा बड़ी संख्या में पंचायती राज संस्थान के सदस्यों और जम्मू कश्मीर के नगर निगम पार्षद और जमीनी स्तर के कई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। वहीं इस मामले पर पूर्व मंत्री जीएम सरूरी ने कहा कि गुलाम नबी आजाद के समर्थन में कांग्रेस ने इस्तीफा देने वाले सभी लोग जनसभा में मौजूद रहेंगे और उन्होंने कहा कि समाज के वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले आजाद के 3000 से ज्यादा समर्थकों ने जनसभा में उनका दामन थामने की इच्छा जाहिर की। वहीं सरूरी ने बताया कि विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग भी उनके संपर्क में हैं और हम आने वाले समय में आजाद के समर्थन में भारी समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।